अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की। देखिए लगातार अब चौतरफा प्रहार जो है वो जारी है और ये प्रहार जारी है वो हिजबुल्ला और इजराइल की तरफ से। देखिए इजराइल के दो चीफ ढेर कर दिए गए, कई कमांडर जो है मार गिराए गए, लेकिन इसके बावजूद भी हिजबुल्ला का जो मनोबल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वो नेतन्याहू को लगातार आग दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है और लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा है और एक बार फिर से अटैक किया गया है हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल पर। और इस अटैक के बाद इजराइल में किस तरीके से तबाही मची है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हिजबुल्ला का हमला इजराइल दहला, हमला जोरदार चौतरफा प्रहार, हिजब का जलजला टूटेगा इजराइल का भेद किला। एक तरफ इजराइल जमीन और आसमान से हिजबुल्ला के गढ़ को साध रहा है, हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह कर रहा है, आसमान से बम वर्षा कर आतंकियों को सजा दे रहा है, तो ग्राउंड ऑपरेशन में टनल का भंडा फोड़ कर हिजबुल्ला की वो कमर भी तोड़ रहा है। जहां एक तरफ इजराइल हिजबुल्ला के सर्वनाश की कसम खा चुका है, वहीं हिजबुल्ला भी अपने चीफ और कई कमांडर के मारे जाने के बाद भी नेतन्याहू के देश को लगातार दहला रहा है। जी हां, हर जगह हिजबुल्ला के आतंकी इजराइल को जख्म दे रहे हैं। उत्तर इजराइल को निशाना बनाकर हिजबुल्ला ने हमला किया। हिजबुल्ला ने इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाया, इजरायली बेस कैंप और प्रशिक्षण शिविर पर ड्रोन से बम वर्षा की, जिसके बाद पूरा शहर सायरन की आवाज और रेस्क्यू के लिए आए हेलीकॉप्टर की आवाज से गूंज उठा। हिजबुल्ला ने यह हमला तब किया जब बेस कैंप में इजरायली सैनिक खाना खा रहे थे, लेकिन एक अटैक और पूरा शिविर लाल रंग से रंग गया। किसी का सड़क पर ही इलाज शुरू हो गया तो किसी को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। हिजबुल्ला के भीषण अटैक से नेतन्याहू के देश में हड़कंप मच गया, लोग इधर उधर भागते नजर आए। तो वहीं हिजब ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, इस्लामिक प्रतिरोध मौजूद रहेगा और अपनी रक्षा के लिए हम तैयार रहेंगे, हम अपना कर्तव्य निभाने में संकोच नहीं करेंगे। हिजबुल्ला के ड्रोन अटैक में कई लोगों की मौत हो गई, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। वहीं इजरायली मीडिया का दावा है कि लेबनान की ओर से दो ड्रोन लॉन्च किए गए, जिनमें से एक ड्रोन को रोक दिया गया, लेकिन जो दूसरा ड्रोन आया उसने नेतन्याहू के देश में कोहराम मचा दिया। ये लगातार दूसरा दिन है जब इजराइल में ड्रोन से हमला हुआ। उधर इजराइल ने भी हिजबुल्ला का साथ दे रहे ईरान को सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिस पर अमेरिका ने भी मुहर लगा दी है। पेंटागन ने कहा कि ईरान के पिछले हमले को देखते हुए अब इजराइल ने थार्ड प्रणाली और अमेरिकी सैन्य कर्मियों के दल को इजराइल में तैनात किया जाएगा। तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेकशियन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। लेबनान और गाजा पर हुए हमले को रोके जाने के साथ साथ हिजबुल्ला और इजराइल के बीच युद्ध विराम की बातों पर चर्चा की गई। इधर लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती जॉर्डन यात्रा पर हैं, माना जा रहा है कि वो भी युद्ध विराम पर बात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आपने देखा है जहां इजराइल की तरफ से कई हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह किया गया, वहीं हिजबुल्ला की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है और छोटे मोटे हमले करके इजराइल को परेशान किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी, आप देखिए यहां पर हाइफा पर हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ हमले। यह हाइफा शहर है इजराइल का, हाइफा शहर जहां पर हिजबुल्ला की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक किए गए, और इसलिए हम कह रहे हैं कि भले ही इजराइल डिफेंस फोर्सेज की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकाने उनके बड़े बड़े आतंकियों को तबाह कर दिया गया हो, लेकिन हिजबुल्ला अभी भी शांत नहीं बैठ रहा है और हिजबुल्ला की तरफ से हाइफा शहर पर हमला किया गया। ऐसे छोटे मोटे हमले करते हुए इजराइल पर अटैक कर रहा है हिजबुल्ला और इजराइल को परेशान कर रहा है। ये आपको तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, हमला जोरदार चौतरफा प्रहार लगातार किया जा रहा है। लेबनान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, लेबनान में इजराइल की तबाही जारी है।
ये लेबनान से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इसराइल पर अटैक करते हुए हिजबुल्ला के आतंकी आपको नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इससे पहले आपको हाइफा शहर की तस्वीर हमने दिखाई और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी इसराइल की तबाही लगातार जारी है। और आप देखेंगे कि एक तरफ इसराइल डिफेंस फोर्सेज जितने भी आतंकी ठिकाने जहाँ पर आतंकी छिपे हुए होते हैं उनको उन पर हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लेबनान की तरफ से भी अब पलटवार लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों बदहाल है, परेशान नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में एससीओ की बैठक होने वाली है जिसमें भारत, चीन, रशिया और साथ ही साथ ईरान के बड़े बड़े नेता जो हैं इसमें शामिल होंगे। इस्लामाबाद में ये बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के पीएम के होश उड़ गए हैं और इसके पीछे की वजह ये है कि उनके ही मुल्क में उनके सबसे बड़े विरोधी यानी कि इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक बड़े प्रोटेस्ट की धमकी दे दी है। इसके बाद से पाकिस्तान के जो पीएम है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं और इस्लामाबाद में इसका एक ट्रेलर भी नजर आया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में एससीओ की बैठक, लेकिन बैठक से पहले पाकिस्तान धुआं धुआं। पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं, लेकिन दावा खुशहाली का है। शहबाज शरीफ इंटरनेशनल बैठक के सपने देख रहे हैं और पाकिस्तान में आग लगी है। इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक के लिए तैयारियां चल रही हैं और इमरान खान की फौज पूरे मुल्क में बवाल काट रही है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कराची के प्रेस क्लब और तीन तलवार के पास जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा, पत्थरबाजी की और एक पुलिस वैन को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ना पड़ा। पुलिस ने करीब 47 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। रावलपिंडी में 17 अक्टूबर तक किसी धरने या सभा को बैन कर दिया गया है। हंगामे को देखते हुए इस्लामाबाद में 16 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सेवा 3 दिन तक सस्पेंड कर दी गई है। इस्लामाबाद में सेना की तैनाती की जा रही है। Deployment of the armed forces here. The army is going to be protecting the entire route and the red zone. So in addition to the police, Pakistan Army, Pakistan Rangers, they're going to be an integral part of the security apparatus that is going to protect the city. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसलिए परेशान हैं क्योंकि पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट होने वाली है। इस समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन भी इस समिट में शामिल होंगे। कई और देशों के प्रमुख भी एससीओ समिट का हिस्सा होंगे, लेकिन इमरान खान की पार्टी ने प्रोटेस्ट कॉल कर दी है। एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा कि बैठक में गाजा युद्ध पर भी फोकस रहेगा। जिस तरह से कश्मीर हमारे लिए अहम है, उसी तरह से फिलिस्तीन भी उनकी प्राथमिकता है। एनडीएमए को कहा कि आप टेंट्स की और इस तरह की सर्दियां आ रही हैं, फौरी तौर पर तैयारी करें, वो हो रहा है। उन्होंने एक स्पेशल अकाउंट पीएम रिलीफ फॉर गाजा एंड लेबनन, उसके लिए तो हमारी इसमें आप समझे कि टॉप प्रायोरिटी है। जैसे हमारे लिए कश्मीर की प्रायोरिटी है, इसी तरह गाजा की प्रायोरिटी। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एससीओ समिट के दिन पूरे इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट की धमकी दी है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके मंत्रियों की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ तो एससीओ समिट के लिए इस्लामाबाद को सजाया संवारा जा रहा है, दुनिया के सामने पाकिस्तान की मुफलिसी को छिपाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने उनकी नाक में दम कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।